में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। सेंट मैरीज एकेडमी प्रकरण में सेंट मैरीज स्कूल की तरफ से दो बार बुलाने के लिए पत्र देकर स्कूल प्रशासन के न आने पर एसीएम सदर ने जताई नाराजगी। आप देख रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, मैं हूं नवेद खान। दिन है 18 जून 2021। मेरठ जिला प्रशासन ने आज एक नई मिसाल कायम की है। जिलाधिकारी के बालाजी मेरठ, एसीएम सदर मेरठ सुनीता कुमारी, डीआईओ मेरठ ने न केवल अभिभावक को इंसाफ दिलाया है बल्कि प्रदेश में प्रदेश सरकार की नियम कानून ही सर्वोपरि है और उसको मानना ही होगा, इस बात की पुष्टि की है। सेंट मैरीज एकेडमी के अभिभावक ने स्कूल प्रबंधन पर आर्थिक तंगी के कारण टीसी मांगी थी, तो अभिभावक ने स्कूल सेंट मैरीज स्कूल पर आरोप लगाते हुए स्कूल प्रबंधन की तानाशाही बताते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि टीसी देने के बदले सेंट मैरीज स्कूल द्वारा 3 महीने की अग्रिम बढ़ी हुई फीस और सरकार के नियम ना मानने के साथ, मतलब सरकार नियम नहीं मानते हैं ये लोग, साथ ही कोविड से हुई मौत का डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल और अभिभावक की बैंक डिटेल्स और क्वारंटीन होने तक की रिपोर्ट मांग डाली थी, ये अभिभावक ने का कहना है। हालांकि एसएम सदर के पास नोटिस द्वारा बुलाए गए सेंट मैरीज प्रशासन ने सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा कोविड रिपोर्ट और सरकार नियमों को ना मानने वाले आरोप से इनकार किया। ये सवाल लगाते हुए अभिभावक ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी, जिस पर तुरंत मेरठ जिलाधिकारी के बालाजी, एसीएम सदर सुनीता सिंह और डीआईओ मेरठ को जांच सौंपी थी। जांच के दौरान सेंट मैरिज प्रशासन को बुलाया गया था, लेकिन सेंट मैरिज स्कूल के प्रिंसिपल या प्रबंधन से एक बार भी कोई नहीं पहुंचा, जिसको लेकर एसीएम सदर ने नाराजगी जताई थी। सेंट मैरिज स्कूल के अधिवक्ताओं ने तो एसीएम को जवाब दाखिल करते हुए यहां तक समझाने की कोशिश की कि स्कूल की जांच एसीएम का कार्य क्षेत्र ही नहीं है, जिसके जवाब में एसीएम सदर ने रेखा सिंह ने कहा था कि कार्य क्षेत्र निर्धारित करने का दायित्व स्कूल का नहीं है। आज सेंट मैरिज स्कूल के कोऑर्डिनेटर्स को आखिरकार एसीएम कोर्ट तक आना ही पड़ा। अभिभावक कपिल निवासी बेगम बाग ने बताया कि एसीएम सदर ने साफ तौर पर स्कूल प्रशासन को आदेश दिए हैं कि सोमवार तक टीसी उनके ऑफिस पहुंच जानी चाहिए, लेकिन एसीएम साहिबा ने और डीआईओएस साहब ने उनकी इस पूरे जब इसमें जो जांच के हिसाब से जब उन्होंने बात करी है, तो मैंने ये चीज देखी वहां पे कि एसीएम साहिबा और अगर डीआईओएस साहब नहीं होते वहां पे, तो हम शायद सेंट मैरीज को बिल्कुल भी मतलब जवाब नहीं दे सकते। बात करूंगा कि उन्होंने हमारा पक्ष रखा और निष्पक्ष जांच करी, उन्होंने हमारा पक्ष रखा। फैसला उन्होंने यही किया है कि मंडे को उनके जो सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं, जो उनका शायद नाम सैयद सर कहते हैं उनको, उनसे बोला है कि मंडे को उन्होंने मेरे से एक एप्लीकेशन ली कि हाँ भाई, जबकि मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, उन्होंने फिर से मेरे हाथ से एप्लीकेशन ली, मुझे उसमें कोई वो नहीं है, मैंने फिर भी एप्लीकेशन उन्हें दोबारा दे दी। और उसके बाद उन्होंने एसीएम साहिबा ने कहा कि उनसे कि भाई इस एप्लीकेशन की कॉपी और उस कॉपी के साथ मंडे को मेरे ऑफिस में टीसी पहुंचा दी जाए, और यही वादा वो करके गए हैं कि हम मंडे को आपके पास टीसी और इस एप्लीकेशन के साथ हम वहां पे एसीएम साहिबा के कार्यालय में भिजवा देंगे, तो मैं वहां से एसीएम साहिबा से वो टीसी प्राप्त कर लूंगा। जैसा कि अभिभावक ने बताया, आपने देखा कि इस संबंध में एक एप्लीकेशन अभिभावक से लिखवाई गई, साथ ही 3 महीने की अग्रिम फीस मांगने की बात को भी एसीएम सुनीता सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया। अभिभावक का यह भी कहना है कि यहाँ मेरठ जिला अधिकारी के बालाजी और एसीएम सदर और मेरठ डीआईओएस ने सेंट मैरीज एकेडमी की तानाशाही को ध्वस्त करते हुए मिसाल दी। तुरंत कार्रवाई करके सीधा डीआईओएस साहब को और एसीएम साहिबा को इसमें जांच पे बैठा दिया। अगर ये तीनों नहीं होते तो मैं ये मानता हूँ कि सेंट मैरीज आज भी अपनी मनमानी कर रहा होता, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी 3 डेटों के बाद भी वो आज भी उपस्थित नहीं हुए, तो इससे मैं ये मानता हूँ कि शायद मैं तो लड़ ही नहीं सकता था।
और मैं ये मानता हूँ कि ऐसी ACM, ऐसे DIOS और ऐसे DM अगर हर शहर में मिल जाए तो शायद मुझे लगता है कि अभिभावकों की जो आवाज़ है और जो उनकी पीड़ा है, जो ये स्कूल वाले बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, उनका मतलब निराधार हो जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, मतलब जो ACM साहिबा को और DIOS साहब को और DM साहब को, ये तो मैं बिल्कुल अपने दिल से कह रहा हूँ। वरना उन्होंने, स्कूल वालों ने तो बिल्कुल फंसाने के लिए पूरा मसौदा तैयार करा कि प्रदेश में प्रदेश सरकार के कानून नियम ही लागू होंगे, ना कि किसी निजी स्कूल द्वारा बनाई गई खुद की गाइडलाइन। आपको बता दें, सेंट मेरी स्कूल के सुपरवाइजर ने खुद फोन पर कहा था कि हमारे यहाँ मिशनरी के नियम चलता है, ना कि भारत सरकार के। हम प्रिंसिपल का नंबर, हमारे अपने रूल है बॉस। अभिभावक को इंसाफ मिला, ये मेरठ जिला प्रशासन की जीत। क्या कहना है ACM सदर सुनीता सिंह का? मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज़ से नवीद खान की। सेंट मेरी का प्रोग्राम मेरे यहाँ चल रहा है। एक पेरेंट्स की शिकायत है कि उससे फीस मांगा जा रहा है और फीस नहीं देने की वजह से उसको टीसी नहीं दी जा रही है। मैंने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया था, आज जो शिकायतकर्ता थे वो भी आए थे और वहाँ सेंट मेरी से स्टाफ भी आए थे। तो उनके यहाँ जो रूल है कि वो क्वार्टरली फी जमा करते हैं, तो इन्होंने जो पेरेंट्स हैं वो अप्रैल तक का फ़ी जमा किए हैं, उसके बाद वो 23 मई को उन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि मैं इस स्कूल से हटाकर अपने बच्चे को किसी दूसरे अन्य स्कूल में दाखिला दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का जो फ़ी है उसका वहन नहीं कर पा रहा हूँ कोविड की वजह से। काफ़ी मतलब उनका रोज़गार वगैरह कुछ कम हो गया है अर्निंग। इस बात पर मैनेजमेंट ने कहा होगा कि हमें मतलब जो बच्चा मार्च के बाद जो क्वार्टरली फी है जून तक का वो दिया जाए, उसके बाद टीसी देंगे, लेकिन अब बात वो हो गई है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने फिर आज मैनेजमेंट से बात कर ली, टीसी के लिए बात कर ली है, टीसी मिल जाएगा। अभिभावकों ने ये आरोप लगाया था उस जहाँ से बैठी है कि ये उनसे कहा गया कि हमारे यहाँ कोई सरकारी नियम नहीं चलते हैं, भारत सरकार के नियम हम नहीं फॉलो करते हैं। इस चीज़ के लिए उन्होंने डिनाई किया है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की गई। एंड दे आर ऑल्सो आस्किंग फॉर द कोविड सर्टिफिकेट ऑफ द पर्सन, जैसा कि शिकायतकर्ता का कहना था, बट लेकिन उन्होंने शिकायत में लिखा था। पर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद।